नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आजकल बड़े बड़े हेडलाइंस में हैं। हाल ही में भोजपुरी एक्टर और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने लाई बाग कर इंडस्ट्री छोड़ने की बात कही थी। एक पिता के रूप में वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। हालातों से मजबूर होकर खेसारी लाल यादव कैमरे पर इमोशनल होते दिखे। वहीं अब भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने खेसारी लाल यादव के विवाद पर अपनी राय दे दी है। खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री की बेबाक एक्ट्रेस में से एक हैं। रानी चटर्जी अक्सर ही गंभीर मुद्दों पर अपनी राय देखती हैं। खेसारी लाल यादव कंट्रोवर्सी पर भी रानी ने हमसे खुलकर बातचीत की है और लोगों के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जैसे बात करें तो रानी चटर्जी कहती हैं कि मेरा मानना है कि ये बहुत गलत हुआ है, गाना नहीं गाना चाहिए किसी का भी नाम लेकर। ऐसी पहली बार हुआ है जब किसी सेलिब्रिटी का बेटी का नाम लेकर गाना गाया जा रहा है। इससे पहले जितने भी सिंगल हैं ना किसी का नाम लेकर गाते हैं, जैसे डिंपल, पूजा, इसमें से खेसारी जी भी ने गाया है, इसलिए लोगों ने उनकी बेटी पर अटैक किया। खेसारी जी का लाइव देखा मैंने, उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्री छोड़ देंगे, वो उन्होंने इमोशनल होकर कहा होगा, ऐसा नहीं करेंगे वो, एक पिता के तौर पर वो कमजोर लगे। रानी आगे कहती हैं कि मेरे ऊपर भी खेसारी लाल यादव के लोगों ने गाने बनाए हैं, पर मैं रोई नहीं, मैं जानती हूँ कि उन्हीं का आदमी है, इस मुद्दे को वो अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इंडिया का कानून बहुत मजबूत है, एक गाने पर अगर सुपरस्टार इतना रोएगा तो वो बाप क्या करेगा जिनकी बेटियों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को शूट नहीं करता है। दरअसल मामला क्या है, कुछ दिन पहले ही एक लाइव शो के दौरान खेसारी लाल यादव के किसी दोस्त ने एक लड़के को थप्पड़ मारा था। इसके बाद से पूरा राजपूत समाज गुस्से में था। मामला इतना आगे बढ़ा कि विरोधी खेसारी लाल यादव की बेटी कीर्ति यादव के फोटो से छेड़छाड़ कर अश्लील गाने बनाने लगे। इस मुद्दे पर बात करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि जब तक बात उन तक सीमित थी तब तक ठीक था, पर अब बात उनकी बेटी की है इसलिए वो चुप नहीं रहेंगे। YouTube से खेसारी लाल यादव के 200 गाने भी डिलीट कर दिए गए। इस पर खेसारी लाल यादव ने दुखी होकर कहा था कि अगर लोगों का उनका काम पसंद नहीं आया तो वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में चले जाएंगे। बाकी रानी चटर्जी ने इस पर अपना बयान दिया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।